नमस्कार मैं हूँ निधि आप सबका वेलकम करती हूँ निधि किचन लाइफ स्टाइल चैनल पे दोस्तों आज मैं आपके साथ कोई भी हेयर रेमेडी शेयर नहीं करने वाली हूँ बल्कि आज मैं जो आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ ना ये आपके आईज एंड आईब्रो से रिलेटेड है जी हाँ दोस्तों बहुत सारे लोगों की बहुत सारी लेडीज की आईब्रो है वो बहुत पतली होती है और बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है इस वजह से उन्हें आईब्रो पेंसिल इस्तेमाल करना होता है और बहुत सारे लेडीज की ये जो पलके हैं ना ये बहुत हल्की होती है और इसकी वजह से उनकी खूबसूरती थोड़ी सी कम हो जाती है तो इसके लिए आज मैं बहुत ही बेहतरीन आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो को अंत तक देखिएगा बहुत ही इजी है और ये जो भी मैं आपको बताऊंगी ना ये आपको घर पे ईजिली मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज हम प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पास दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन उसे दबाना न भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा तो दोस्तों अगर आपके भी ये आई लैशेस, अगर बहुत पतले हैं आईब्रो बहुत पतली है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दे रही हूं तो सबसे पहले ये देख लीजिए ये है वैसलीन हर घर में मिल ही जाते हैं ये वैसलीन और अगर नहीं भी है तो आप इसकी छोटी डिब्बी भी मार्केट से इजली बाई कर सकते हैं ये कहीं भी मिल जाती है तो आपको लेना है ये वैसलिन बस थोड़ा सा आपको वैसलिन लेना है दैट मीन्स कि आधी चम्मच आपको ले लेना है एक बाउल में ये वैस्लिन और उसके बाद उसमें ऐड करना है एलोवेरा तो एलोवेरा जो ऐड करना है वो मार्केट वाली ही आपको इस्तेमाल करनी है को अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है एलोवेरा कितना आप डालेंगे वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ एलोवेरा भी आपको आधा चम्मच ही डालना है दोनों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके आपको एक छोटी सी डिब्बी में इसे रख लेना है यह दोस्तों जैसे कि हम काजल बना के घर पे रखते हैं ना छोटी सी डिब्बी में वैसे आप रख ले इसे लगाना कैसे है वो मैं आपको बता दे रही हूँ तो इस टाइप का जो मस्करा ब्रश होता है ना ब्रश में दिखा दे रही हूं ये ये देखिए ये जो मस्करा ब्रश होता है ना बस इससे आपको अच्छी तरह से पहले तो डिप कर लेना है जेल में और इस तरह से आपको अपने लैशेस पे लगाना है ये आपको डेली करना है जी हाँ दोस्तों डेली रात में आपको जब आप फेस वॉश करते हैं नाइट क्रीम लगाते हैं उसके बाद आपको आई पे इसे लगा लेना है आईब्रो पे भी लगा लेना है इसी तरह आपको और चाहे तो आप आईब्रो पे अपने फिंगर से अच्छी तरह से मसाज करके भी लगा सकते हैं लगा के यूं ही छोड़ देना है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको वॉश कर लेना है ये आपको 15 डेज तक रेगुलर करना है और दोस्तों मैं आपको बता दे रही हूँ कि इससे आपको 100% परसेंट फायदा होगा जी हाँ दोस्तों सेकंड मैं आपको एक और टिप बता देती हूँ अगर आपको ये मीन्स एलोवेरा जेल इस्तेमाल नहीं करना है वैसलिन इस्तेमाल नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं आपको लेना है अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल इजिली मिल जाएगा बहुत सारे लोगों के तो घर में भी होता है क्योंकि हम अपने हेयर पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको ले लेना है एक चम्मच इतना अरंडी का तेल और उसमें एड ऑन करना है आपको विटामिन ई e की एक कैप्सूल अच्छी तरह से मिक्स करना है और अपने पलकों पे मसाज करते हुए इस तरह से आपको लगा लेना है अपने आईब्रोज पे आप अच्छी तरह से मसाज करके लगा ले बस उसी तरह आपको इसे भी रात को लगाना है जी हाँ दोस्तों जैसे कि हम अपने हेयर के अच्छी तरह से केयर करते हैं तो उसी तरह आपको पलकों की भी केयर करनी चाहिए आपको अपने आईब्रो की भी केयर करनी चाहिए इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और जब भी हम थ्रेडिंग करवाते हैं ना तो फिर बहुत ही अच्छा सा उभर के आता है और आईलैशेज अगर बड़े हो घने हो ना तो आंखों की खूबसूरती बहुत अच्छी हो जाती है तो दोस्तों मैं आपको दो टिप्स बताती हूं तीसरा और मैं आपको बता देती हूं कि अगर आपके पास अरंडी का तेल भी नहीं है तो आप ले ले कोकोनट ऑयल या आप ले ले बादाम का तेल दोनों में से कोई भी एक ले ले और उसमें आपको एड ऑन करना है एक कैप्सूल विटामिन ई e की अच्छी तरह से मिक्स करना है और मसाज करके अप्लाई कर लेना है होप आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी जरूर अपनाइएगा अगर आपके पलके घने हैं ना तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपके आई लैशेस घने हैं आईब्रो घने हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हो सकता है ही के आईब्रो थोड़े से पतले हो लैशेस थोड़ी सी हल्की हो तो उनके लिए ये फायदा पहुंच सकता है तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा थैंक यू हैव ए नाइस डे